हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशबू विकास विस्ट में। तो आज का हमारा नया व्लॉग है, ये मैं काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज शूट करेंगे कल शूट करेंगे ऐसे लगा हुआ था, बट हो नहीं पाया। जो आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और जो हम लोगों ने दिवाली की साफ सफाई की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारा ओल्ड वीडियोज में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब बाकी वीडियो भी अगर आप लोगों को देखनी है तो आप देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाए हुए हैं मैंने। तो ये आज का जो वीडियो है, जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं अनबॉक्सिंग में। और अनबॉक्सिंग जो मैं कर रहा हूँ, मेरा न्यू सेटअप है। मैंने कहा जब हम व्लॉगिंग कर ही रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से व्लॉगिंग करेंगे, और इसलिए ना इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो इतना ज़्यादा लगा नहीं उस टाइम पे यार। लेकिन अभी ये है कि मैं बाइक में ज़्यादा ही हम लोग ट्रैवलिंग करने लग गए हैं खुशबू और मैं, तो मैंने कहा कि क्यों क्यों ना हम लोग एक अच्छा सेटअप तैयार करें कि हमारी व्लॉगिंग और अच्छी हो, है ना। तो चलो अब मैं ज्यादा ना बोल के आप लोगों को ज्यादा ना पकाऊं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हमारा मोटो ब्लॉगिंग का जो अभी नया सेटअप तैयार कर रहा हूँ मैं, तो उस मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो चीजें हम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको अनबॉक्सिंग करूंगा। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं लाया हुआ हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है एक आइटम जो मैं खोल के दिखाऊंगा आपको, ताकि खोल के दिखाऊंगा तब आप लोगों को भी लगेगा कि ये चीज़ है क्या। तो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन मैंने अभी तक खोली नहीं। तो सारा सेटअप मैंने वैसे तैयार कर लिया है खुशबू की परमिशन लेके, विदाउट खुशबू के परमिशन से नहीं, उसकी मैंने परमिशन ली है बाकायदा। क्योंकि यार मेरा ब्लॉगिंग जो हम करते हैं, हम लोग साथ में ही करते हैं, तो खुशबू से पूछना भी ज़रूरी है इस मामले में। तो मैंने कहा कि चलो ये चीज़ें मैं बहुत पहले से लेने वाला था, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो कुछ चीज़ें मैं लाया हूँ, आप लोग भी देखिए क्या चीज़ें हैं, और बकायदा मैं आप लोगों को इसका डेमो भी दिखाऊंगा। तो इसको खोलते हैं, काफ़ी चीज़ें लगी हुई है इसमें, टाइम लग गया तो ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा आप लोगों से। तो ये देखिए, ये देखिए, ये है ब्लूटूथ माइक, ब्लूटूथ का डिवाइस दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। तो यह है ब्लूटूथ डिवाइस है, और ये मैंने मंगाई है ऑनलाइन। बकायदा मैं आपको सारी चीज़ों का डेमो करके दिखाऊंगा। पहले मैं सारी चीज़ें अनबॉक्स कर रहा हूँ, यानी कि सारी चीज़ें खोल रहा हूँ, और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें देख लो आप, ये है माइक, तो ये माइक है और ये मोबाइल में कनेक्ट होगा। तो ये देखिए आप, ये लगेगा ऐसे, या आप ना हेलमेट में लगा सकते हो, ये टी शर्ट में, ये ऐसे करके लग सकता है ये, या हेलमेट में लगाना हो हेलमेट में लगा सकते हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको सूटेबल लगता है तो वो चीज़ दिखाऊंगा। ये जो है कि इसमें ना दो कनेक्ट करने के लिए दो डिवाइसेस जो हैं वो ये देखिए, ये भी है। अगर जैसे आपके पास किसी का आईफोन है तो ये नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे आपके चार्जर का पॉइंट होता है ना उस तरीके का, तो ये है। और आपके पास अगर एंड्रॉयड है और उसमें तो ये लगेगा नहीं, सॉरी आईफोन है तो उसमें ये लगेगा नहीं, तो उसके लिए आप इसको ऐसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, और फिर ये आईफोन में लगेगा, आपके जहाँ चार्जिंग पॉइंट होता है उसी में ही लगता है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने आईफोन के साथ, तो अगर आप लोगों के पास आईफोन है, आईफोन से अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, मैं तो फ़ोन से व्लॉगिंग करता हूँ, तो मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन है मेरा, उससे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो उसमें तो मेरा ये लग जाएगा डायरेक्ट। अगर किसी के पास आईफोन है तो वो ये डिवाइस देखो, आईफोन का चार्जर भी कुछ इसी तरीके का होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा एक, मैंने आपको ब्लूटूथ डिवाइस तो दिखा दिया, इसका डेमो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो दूसरा है वो है ये देखो, ये चीज़ें, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ। मैं जब से लेकर आया मैंने इसको ओपन नहीं किया, कि मैंने कहा कि अनबॉक्सिंग का मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, और खासकर जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। तो बहुत से लोगों के पास होगी भी ये, बट अगर कोई नई तरीके से अगर यूट्यूब में कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता है तो वो चीज़ें ये कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना, एक्चुअली मैं ऑनलाइन जो भी चीज़ें मंगाऊँ ना वो थोड़ी अच्छी तरीके से पैकिंग करके भेजते हैं। तो ये देखो आप, तो ये जो मैं लेकर आया हूँ, ये देखो ये स्ट्रिप है, ये देखिए ये स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है ना, अब आप लोगों को लग रहा है ये जो स्ट्रिप है ना, ये आपने ऐसे मुंह पे नहीं लगानी है, ये लगती है हेलमेट पे। क्या बात, ये क्या बात करता है यार। आप लोगों को मैं हर चीज का करके दिखाऊंगा। ये जो, और इसके साथ हमें क्या क्या मिला है वो देखिए, ये मिला हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये पूरा सेटअप मैं अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ पहले आप लोगों को। तो ये देखिए, ये जो है ना ये लगता है इसमें, ये लगेगा इसमें, ये देखो ये ऐसे ऐसे आता है ये, ठीक है।
मैं हर चीज़ करके आपको, ताकि आप लोग अभी लो तो ये इसमें फिर ये ऐसे कनेक्ट होगा, मतलब कि इसको ऐसे डाल देना जैसे स्क्रू डालते हैं हम लोग, उसी तरीके का है ये। ये देखो, ये पूरा टाइट कर लेना आप इसको। टाइट करने के बाद अब ये आपका हो गया है सेटअप तैयार। इसको आप, तो ये जो आप लोग हैं, ये अगर आप मोबाइल किसी भी तरीके से इसमें लगाना चाहते हैं, अगर आप खड़े में लगाना चाहते हैं या इसको ऐसे लेटा के लगाएंगे मोबाइल को, तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर एक सेटअप है। तो तीसरी जो चीज़ है वो है ये, देखो जब चीज़ मैं लेकर आया था ना, तो कुछ भी बोले थे क्या लेकर आ गए आप इतना लंबा चौड़ा, काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे। इवन मैं बाइक में जब लेकर आ रहा था इसको, काफ़ी काफ़ी लोगों ने पूछा, ये देखो इसकी पैकिंग भी। तो ये जो मैं नई चीज़ लेकर आया हूँ ना, ये मैं खास खुशबू के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि देहरादून में हम लोग जब घूमते हैं तो हमें डबल हेलमेट चाहिए होता है, और एक डबल हेलमेट के लिए, खुशबू के लिए, ये मैं नया हेलमेट लेकर आया। तो बताओ कैसा लग रहा है हेलमेट? लग रहा है बढ़िया। तो ये नया हेलमेट मैं लेकर आया हूँ, और खासकर जो नया हेलमेट, वैसे हेलमेट हमें चाहिए भी था, क्योंकि हम लोग कभी ट्रैवलिंग करते हैं, तो मैं चाहता हूँ पीछे खुशबू भी पहन ले, तो इसलिए मैंने एक नया हेलमेट लिया हुआ है। ये हेलमेट अब मैं पहनूंगा और मेरा वाला खुशबू पहनेंगे। तो ये हेलमेट मैं आपको एक बार दिखाऊँ, ये देखो हेलमेट ऑनलाइन मंगाया था मैं, अभी मैं खुद भी अभी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे जिस तरीके से दिख रहा है ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और मार्केट से भी ले सकते हैं आप लोग, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ये देखो हेलमेट पहन के, अब देखो, अब मैंने जो तुम्हें बताया था ना, ये जो मैंने माइक लिया हुआ है ना, ये माइक अगर आप लोग कनेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भी ये 360 डिग्री माइक है। अगर आप जैसे ये होता है ना, सर ऐसे घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आपको वहाँ से वहाँ देख के बोल, तो ये माइक आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, 360 पे रहता है ये, तो आवाज़ आपकी क्लियर आ जाएगी। तो जैसे ये होता है कि हेलमेट की जो स्ट्रिप होती है ना, ये वाली आप इसमें भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। और वैसे कॉलर में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि लगा सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये लगता कैसे है। ये देखो, अब मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ आपको बाकायदा, ठीक है। तो ये देखो आप, ये इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये अपना एडजस्ट अपने तरीके से करिएगा, मैंने सेंटर में किया हुआ है, लग तो मुझे सेंटर में ही रहा है। तो ये देखो, ये फिर हिलेगा नहीं, ये जो हिलेगा ये आगे वाला पोर्शन जो आपका है ना, इसको ये भी टाइट होता है, ये टाइट कर लेना। और ये देखो बिल्कुल पूरा टाइट है, ये देखो पूरा टाइट है, और वैसे गिरेगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर से ना स्ट्रिप जो लगी हुई है, जिसकी जो ये है, ये यहाँ पर टाइट करने के दो वो दिए हुए हैं इसमें बटन टाइप, ये टक टक हो जाता है। ये वैसा करने के बाद, फिर उसके बाद ये मैंने बांध लिया है यहाँ पर, ये देखो ऐसे। इसको अगर आप बांध लो या फिर आप ऊपर तरीके से कैसे भी एडजस्ट करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप हो गया है रेडी, और मैं इसमें अभी लगाता हूँ कैमरा, और वो करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कैमरा कर दिया है एडजस्ट, और मैं अब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कैमरा एडजस्ट हो गया है। तो मैं ये अंदर से ही इसको, मोबाइल को ऐसे ऑपरेट कर सकता हूँ, ऑपरेट कर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपका, जिस तरीके जो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन हो, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और करने के बाद ये देखो, ये हेलमेट ऐसे लगे रहेगा, और आगे का जो है कि वीडियो बनती रहेगी, और उस तरीके से ये देखो मेरा कैमरा ऑन है इसमें, और ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो आप लोग इसको मोटो ब्लॉगिंग जो करने के शौकीन है वो इसको ले सकते हैं, और ये कुछ गिरने का ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये गिरेगा, ये बिल्कुल टाइट है, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो अभी मैं इसमें माइक कनेक्ट करके देखता हूँ एक बार। तो जैसा कि मेरा तो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये देखो, ये मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, जब मैं आईफोन ले लूँगा तब मैं इसका यूज़ करूँगा, अभी मेरा इससे काम चल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये लगेगी मोबाइल में, ये ऐसे, ये देखो, रुकना एक मिनट, ये लग गई है मोबाइल पे, ठीक है। और ये बटन भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। और अब है ये माइक आपके पास, इस माइक पे ये देखो, ये यहाँ पर स्विच बटन दिया हुआ है, जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो ये ऐसी लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक
ठीक है, ये प्रॉपर जो माइक होता है ना बड़ा वाला, उतना नहीं है ये, आपके यहाँ पर लगाओगे तो एकदम बढ़िया लगता है ब्लॉगिंग करते टाइम, बहुत बढ़िया तरीके से आवाज़ आएगी और मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो ये इसको लगा दूंगा मैं यहाँ पर ऐसे, ये देखो ये लग गया है और ये मेरा कैमरा लग गया है इसमें और ये ब्लूटूथ डिवाइस लग गई है। अब मैं इस हेलमेट को पहनूंगा ऐसे, ये पहनने के बाद ये लगा, ये मैंने हेलमेट लगा दिया और उसके बाद अब मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि हेलमेट के अंदर से इतने क्लियर आवाज़ आती नहीं है, तो कोई भी चीज़ में अगर मैं बोलूँगा तो वो डायरेक्टली ब्लूटूथ के थ्रू एकदम क्लियर आवाज़ आएगी उसकी ना, तो वो चीज़ें मैं अभी आपको जो हमारा ब्लॉगिंग वाला मोबाइल है उससे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं आप लोगों को ना अब अपने जो मोबाइल है ब्लॉगिंग वाला मोबाइल उसमें ये कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाऊंगा 10 मीटर दूर जाके। तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो वैसे तो मैं हेलमेट पहनूंगा तो हेलमेट में जो जो स्ट्रिप दी हुई है उसमें लगा लूंगा, इसको मैंने लगा लिया है यहाँ पर। और ये मैं अपने मोबाइल जो जिससे ब्लॉगिंग चल रही है खुशबू ने पकड़ा हुआ है ये इसको, तो ये मैं खुशबू के मोबाइल में अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और ये लग चुका है ना। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसा कि मैं ये माइक कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा था ना, तो ये इसमें तो हमारे साथ हो गया एक, मतलब कि कुछ हुआ नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैं तो इसको रिटर्न कर दूंगा। इसमें ना आवाज़ बड़ी डीम आ रही है, मैंने चेक किया तो मतलब डीम आवाज़ मतलब कि बहुत स्लो आ रही है, इससे तो हमारे नॉर्मल जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ बिना माइक के अच्छी आ रही होगी। हालांकि मैंने इसको लिया इसीलिए था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करूँगा तो जो हवा चलती है ना ऐसे, तो उस वजह से जो है कि आवाज़ तो क्लियर आती नहीं है, तो इस वजह से मैंने माइक लिया हुआ था। और ये माइक तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे और इसके बारे में मैंने सुना भी काफ़ी था, लेकिन मुझे अभी जिस तरीके से मैंने टेस्ट किया तो टेस्ट करने में मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका बाहर का कवर है ये, तो ये वाला माइक अगर आप लोग लेना लेने की सोचेंगे तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को कि मत लेना, क्योंकि गजब बेइज्जती है, ये आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है इसकी। तो मैं दूसरा परचेज करूँगा और उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा उसमें। तो ये वाला ब्लॉग जो अभी मैंने बनाया हुआ है आपको, वैसे मुझे सेटअप चाहिए हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि मैं वॉइस हम लोगों ने गाड़ी चलाते हुए बाइक चलाते हुए बोलना ज़रूरी नहीं है। ये जो मैंने हेलमेट और ये जो स्ट्रिप, ये मेरी ये मुझे चाहिए थी, एक तो हेलमेट चाहिए था और एक ये स्ट्रिप चाहिए थी, तो ये मुझे मिल गई है और इससे मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा और मैं आप लोगों को एक क्लिप बना के, अभी तो बारिश हो रही है तो मैं अभी मतलब जो भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।